नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। वहीं हिंदू गौरव दिवस के मौके पर आज अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना से मृत्यु होने या अपंगता पर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब राज्य के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। मुफ्त किताबें मिलने से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी इन स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क बुक्स दी जा रही हैं। अब इसका दायरा इंटरमीडिएट तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में 2,428 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराने में कुल 19.70 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश प्रांतीय पुलिस सेवा के 1993-1994 बैच के 26 अधिकारियों के भारतीय पुलिस सेवा का अफसर बनने का रास्ता साफ हो गया। लखनऊ के लोकभवन में आज हुई डीपीसी में इनके नामों पर मुहर लग गई है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक विजय कुमार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आए अफसर शामिल थे। लखनऊ में अगर आप चारबाग से नाका पांडेगंज होते हुए मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो जाम की वजह से 30 मिनट से 60 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन अब ये दूरी महज 10 से 15 मिनट में तय की जा सकती है। अब खास तौर से किसी मरीज को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। सेतु निगम ने चारबाग से मेडिकल कॉलेज के बीच 3700 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए 344 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पास कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लखनऊ समेत प्रदेश के 19 जिलों में बिजली कनेक्शन लेना आसान होगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ये आदेश जारी किया है कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए घर का नक्शा पास होना जरूरी नहीं है, अब घरेलू मानचित्र पर ही कमर्शियल कनेक्शन मिल जाएगा। इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के हिसाब से किसी भी बिल्डिंग में किसी भी श्रेणी का कनेक्शन दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल से छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए न्यूनतम 75% बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। ये नियम इंटरमीडिएट से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। साथ ही एक कोर्स बीच में छोड़कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया यानी एंट्रेंस के जरिए दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की सुविधा बंद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने हिंदू पंचांग के अनुसार पुलिसिंग कराने का आदेश जारी किया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए पंचांग पुलिसिंग में अमावस्या की अंधेरी रात में ज्यादा अपराध होने की बात स्वीकार की गई है। डीजीपी विजय कुमार ने सभी जिले जिम्मेदारों को ये निर्देश दिया है कि पंचांग के आधार पर हॉटस्पॉट चिन्हित कर क्राइम रोकने का प्लान तैयार किया जाए। डीजीपी ने इस संबंध में बैठक कर प्रदेश के कमिश्नरेट पुलिसिंग, एसएसपी और एसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू करेगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स के 171 पदों और महिला के 2069 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2023 तय कर दी गई है। विश्व कप के 5 मैचों के लिए 12 सितंबर को इकाना स्टेडियम बीसीसीआई और आईसीसी के हवाले हो जाएगा। बता दें कि 13 अक्टूबर को यहां पहला मैच होना है, ऐसे में एक महीने पहले स्टेडियम हैंडओवर करना होगा। इकाना के पिच को लेकर पिछले दिनों काफी सवाल उठे थे। आईपीएल के दौरान 6 रन प्रति ओवर से भी कम रन बने थे, ऐसे में विश्व कप के लिए पिच को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र से लाल और उड़ीसा से काली मिट्टी मंगवाई गई थी। करीब 4 ट्रक मिट्टी से स्टेडियम का काम पूरा किया गया था। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।